हेलो मिस्टेरियस आर्मी, आई होप यू आर डूइंग फाइन। दोस्तों मैं अपने इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ लुसिफर का सीजन 1। आई नो मैं काफ़ी लेट हूँ, पर कुछ तो वीडियो डालना ही था। तो वैसे भी मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन छोड़कर वहाँ पे गाली दे सकते हैं। अगर मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा हम वीडियो की तरफ। लुसिफर, जिसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं, वो हेल से रिटायर हो चुका है। वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर वो लॉस एंजलस में एक क्लब चला रहा है। ये उसकी पार्टनर है मेज, जो कि एक डीमन है। लुसिफर ने एक पॉप स्टार का फेवर किया था जिससे वो फेमस हो गई है। तभी वहाँ कुछ ड्रग डीलर आते हैं और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, जिससे उसकी मौके पर मौत हो जाती है। यह क्लोई है, जो कि एक डिटेक्टिव है। वो लुसिफर को इंटरोगेट कर रही है उसी केस के लिए, पर लुसिफर अपने तरीके से क्रिमिनल का पता करना चाहता है, जो कि होता है जब वो नॉर्मली किसी से उसके डीपेस्ट डिजायर के बारे में पूछता है तो हर कोई अपने आप को रोक नहीं पाता। ऐसे ही सब कुछ बताने लगता है। लुसिफर को एक लीड मिलती है, तब क्लोई उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वो इंटरोगेशन में दखल दे रहा था। वो उस पर अपना जादू चलाने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है। तभी वहाँ क्लोई के हस्बैंड और उसकी डॉटर आती हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए लुसिफर और क्लोई लिंडा मार्टिन के पास जाते हैं, जो कि एक थेरेपिस्ट है। लुसिफर उससे अपने तरीके से सारी बातें निकलवा लेता है। वो लोग रियल क्रिमिनल को ढूंढ लेते हैं, जहाँ रिटेलेशन में क्लोई इंजर्ड हो जाती है। और एपिसोड के एंड में एक सड़ा गला सा एक बंदा आता है, जिसका नाम होता है अमाना डील। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अमाना डील यह गॉड का सबसे वफादार बंदा होता है, जो कि लुसिफर को वापस हेल भेजने आया होता है। लुसिफर उसको ऐसे इग्नोर करता है जैसे आयरन मैन ने थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज को इग्नोर किया था। वहाँ का काम निपटाने के बाद लुसिफर एक बंदे से मिलता है, जो कि डेविल के नाम पर लोगों से पैसे बनाता है। और ये बात लुसिफर को बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो उसको अपना रियल फेस दिखाता है, जिसे देखकर वो बंदे की फटके चार हो जाती है। क्लोई की मदर एक एक्ट्रेस थी, और यहाँ पे केस भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ एक मूवी स्टार के बेटे का डेथ हो गया होता है, जिसका शक एक उसके फोटोग्राफर फ्रेंड पर होता है। लुसिफर उसको उठाकर वहाँ उसके गुरु के सामने ले जाता है और दोनों की फाइट करवाता है। क्लोई वहां आकर मैटर संभाल लेती है। थोड़े टाइम बाद क्लोई जिमी से मिलने जाती है, जिसने लुसिफर पर गोली चलाई थी। वो लुसिफर का नाम सुनते ही डर जाता है। लुसिफर एक पार्टी में होता है, उसका फुटबॉलर फ्रेंड भी होता है, जो कि एक वर्जिन है। लेटर ऑन लुसिफर उसकी हेल्प करता है, जिससे वो लड़की मर जाती है। क्लोई उस फुटबॉलर को अरेस्ट कर लेती है और लुसिफर अपने दोस्त की हेल्प करता है, उसको जस्टिस दिलाता है। यह सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं, पर वो सब सोच रहे होते हैं कि लुसिफर भी एक नॉर्मल इंसान है। कितने विशुद्ध चूतिए लोग हैं ये। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं क्लोई के पास एक केस आता है, जिसमें एक बंदी गायब होती है, लेकिन इस केस में उसे लुसिफर की हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि एंट्री पास जो है वो लुसिफर के पास ही होता है। वो सब लुसिफर को टीम में इंक्लूड कर लेते हैं। लुसिफर वहाँ भी बखेड़ा खड़ा कर देता है। अंत में विक्टिम ही क्रिमिनल निकलती है। वो लुसिफर को देखकर डर जाती है। तभी वहाँ क्लोई आ जाती है। लुसिफर उसे शूट करने को कहता है, ताकि वेरीफाई हो जाए कि लुसिफर एक डेविल है, बट होता उल्टा है। लुसिफर ब्लीड करने लगता है। अमाना डील मैजिक क्वीन से बात करने जाता है, जो कि ठीक तरह से खत्म नहीं होती। लुसिफर क्लोई के पुलिस कंसल्टेंट से मिलता है, जो कि क्लोई को लुटेरियन बनाने का फेवर मांगता है। क्वीन अमाना डील को डॉक्टर लिंडा के बारे में बता देती है, और अमाना डील डॉक्टर के पास एक केबिन ले लेता है और उससे लुसिफर के बारे में बात करने लगता है। बाद में ये बंदा क्लोई को गाली देता है, क्योंकि क्लोई ने इसके पार्टनर पर करप्शन चार्जेस लगाए होते हैं, पर वो अभी कोमा में है। पर लुसिफर उसके पार्टनर को संभाल लेता है। तब अगला केस आता है, जिसमें वेयरहाउस में एक चोरी हो जाती है और सिक्योरिटी गार्ड की डेथ हो जाती है। लुसिफर इस केस में दिलचस्पी नहीं लेता है। फिर उसे पता चलता है कि जो कंटेनर चोरी हुआ होता है वो उसी का होता है। तब वो क्लोई को बताता है कि वो कंटेनर मेरा ही है। तब क्लोई उससे पूछती कि उस कंटेनर में क्या था, जिस पर लुसिफर फिर से इग्नोर कर देता है। तब वो कंटेनर मिल जाता है। जब उसे खोला जाता तो उसमें कुछ खास नहीं होता। क्लोई के जाने के बाद लुसिफर सीक्रेट कंपार्टमेंट खोलता है। तब उसे पता चलता है कि उसके विंग्स चोरी हो गए हैं। तब लुसिफर और मेज लोगों को टॉर्चर करके विंग्स के बारे में पता करते हैं, लेकिन कुछ खास पता नहीं चलता है। तब लुसिफर अमाना डील से हेल्प मांगता है, लेकिन वो बिल्कुल ही मना कर देता है। तब लुसिफर हेल्प लेने के लिए क्लोई के पास जाता है, बट क्लोई ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में होती है। तब उसको एक लीड मिलती है, ताकि वो उससे प्रूफ कर सके कि मेलकम एक माफिया के साथ मिला हुआ है। वो ऑलरेडी करप्टेड
इंसान है। लूसिफर के विंग्स एक इलीगल ऑक्शन में बेचे जाने वाले थे, तभी लूसिफर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पे अमनाडिल से ज्वाइन भी करता है, लेकिन उन दोनों को वहाँ एंट्री नहीं मिलती है। तब लूसिफर उन्हें अपना कॉइन दिखाता है, ये एक डेविल कॉइन होता है जिसकी हेल्प से आप एक बार हेल से रिटर्न भी आ सकते हैं। ऑनर ये सब देखकर पागल हो जाता है और उन दोनों को वहाँ पे एंट्री दे देता है। तभी वहाँ क्लोई भी आ जाती है जो FBI की रेड पड़वाने वाली होती है। लूसिफर अपनी विंग्स को लेने जाता है, तब उसे पता चलता है कि उसका पप्पू कट गया है, ये विंग्स नकली होते हैं। तब लूसिफर मालिक के पास जाता है, वहाँ से अपने विंग्स उठाता है और एमनाडिल के सामने ही सबको जला देता है। क्लोई अपने चार्जेस वापस लेने वाली होती है क्योंकि डिपार्टमेंट उसको गालियां दे रहा होता है। तभी वहाँ मेलकम को होश आ जाता है। इधर लूसिफर न्यू ईयर की पार्टी कर रहा होता है, सेम यही हाल मेलकम का भी होता है। अब लूसिफर और क्लोई एक थेरेपिस्ट का मर्डर केस सॉल्व करने जाते हैं, जो रिलेशनशिप बचाने के लिए लोगों को चीट करने के लिए बोलता था, पर पुलिस रूल के हिसाब से बिल्कुल गलत था। तब लूसिफर मार्टिन का नाम सजेस्ट करता है, लेकिन क्लोई इस पर नहीं मानती। तब लूसिफर जज को अपने तरीके से मना लेता है। तब क्लोई मेलकम से मिलती है, मेलकम उसे बताता है कि जिसने भी उसको शूट किया है वो रेंज शूटिंग में एक्सपर्ट है। तब क्लोई और लूसिफर मेलकम के पार्टनर तक पहुंचते हैं, पर लेकिन उसको वहां उनकी डेड बॉडी मिलती है। इधर डॉक्टर मार्टिन लूसिफर के साथ ओनली प्रोफेशनल रिश्ता बना के रखती है। इधर क्लोई और डेन पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं बनती और लूसिफर को उधर शक हो जाता है कि एमनाडिल डॉक्टर मार्टिन के आसपास है, इसलिए वो मैच से कट्टी ले लेता है क्योंकि उसी ने एमनाडिल को डॉक्टर मार्टिन के बारे में बताया था। और इधर मेलकम डैन से बात करता है क्योंकि रियली में उसी ने उसे गोली मारी थी, क्योंकि क्लोई ने उसे माफिया के साथ देख लिया था जिस पर मेलकम उसे गोली मारने वाला था। ये सब देखकर डैन ने उस पर गोली चला दी थी। अब इधर लूसिफर पहले जैसा नहीं होता है, वो बदल गया होता है, वो पहले जैसी चीजें नहीं करता है। ये सब बातें वो डॉक्टर मार्टिन को बताता है, जिस पर मार्टिन बताती है कि ये न्यू लाइफस्टाइल के कारण हो रहा है। इधर मेलकम डैन से एक चोरी की गन निकलवाता है जिससे वो लूसिफर को मार सके। अब इधर एक प्रिस्ट लूसिफर से हेल्प मांगने आता है क्योंकि उसके स्कूल के एक बच्चे को कोई लोग ड्रग में घसीट रहे होते हैं, जिस पर शक उनके स्कूल के हेडमास्टर का होता है, लेकिन लूसिफर इस पे हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट डे स्कूल के ट्रस्टी को कोई उड़ा देता है और नाम प्रिस्ट पर आता है जो कि इनोसेंट है, लेकिन लूसिफर को वो ढोंगी लगता है। लेकिन कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद लूसिफर को भी लगता है कि वो सही बंदा है। इधर ड्रग रैकेट चलाने वाले के पास लूसिफर जाता है, वो बच्चा तो सुधर जाता है लेकिन प्रिस्ट को गोली लग जाती है। इधर एमनाडिल मेलकम से मिलने आता है, एक्चुअली मेलकम कोमा में नहीं होता, वो हेल में होता है। एमनाडिल हेल का इंचार्ज होता है जहाँ उसने उसको टॉर्चर किया होता है और वापस भेजा होता है लूसिफर को मारने के लिए। क्लोई के पास नेक्स्ट केस आता है जिसमें एक सेप की मौत हो जाती है और उसमें उसके बच्चे को ही अक्यूज किया जाता है जो कि इस होटल का मालिक बनने वाला था। तभी इस एपिसोड में क्लोई की मदर की एंट्री होती है जो एक एक्टर होती है और लूसिफर उनका बहुत बड़ा फैन होता है। क्या आप सचमुच वैम्पायर हैं? क्योंकि आपको देख के लगता नहीं कि आपकी इतनी बड़ी बेटी है। ट्रिक्सी एक ऑडिशन के लिए वेट करती है जिसके बाद क्लोई और उसके मदर की फाइट हो जाती है। ट्रिक्सी उठकर लूसिफर के क्लब में आ जाती है लॉस एंजलिस। और इधर मेज डॉक्टर मार्टिन से हेल्प मांगने जाती है। और इधर मेलकम अपना प्लान डेन के सामने खोल रहा होता है, जिसको डायरेक्ट किया होता है एमनाडिल ने कि उसको लूसिफर को मारना है। पहले तो डेन को लगता है कि लूसिफर वैसे भी चूतिया है, उसे मरने दो। फिर उसे अच्छा बनने का ख्याल आता है और वो मेलकम पर गन पॉइंट करता है। और इधर मेलकम उस पर भारी पड़ता है, उसे किडनैप कर लेता है नॉकडाउन करके। और उसके फोन से क्लोई को मैसेज करता है और परमानेंटली डंप कर देता है, जिससे क्लोई परेशान हो जाती है और लूसिफर के पास चली जाती है उसकी परेशानी और बढ़ाने के लिए। मॉर्निंग रिग्रेट्स के साथ शुरू होती है, आज सुना तो था, आज देख भी लिया, जिस पर लूसिफर बताता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और क्लोई कहती है कि सब कुछ भूल जाओ और लूसिफर भी ऐसा ही करता है। कल रात गुजारने के बाद तुम इसे वहीं भूल गई, ये नया डिजाइन क्यों बनाया? एक चैरिटेबल पर्सनालिटी की डेथ हो जाती है जिसको इन्वेस्टिगेट करने के टाइम लूसिफर पे भी उसका इफेक्ट होता है। वो सब कुछ अपना दान कर देता है, जो कि इस सीरीज का काफी मेरा फेवरेट सीन रहा है। और किंग डलर की वाइफ ही उसकी किलर निकलती है। और इधर एमनाडिल और मेज एक डांसिंग कान में एंजॉय कर रहे होते हैं। सही रहा यहाँ पे पीकेन इनको नहीं देखा, वरना आसमान पे नंगे एंजल उड़ रहे होते। और इधर डैन को मेलकम ने बंदी बना रखा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो वहाँ से एस्केप कर जाता है और लूसिफर को वार्न करने जाता है। लेकिन उससे पहले ही मेलकम वहाँ पहुँच गया होता है। वो लूसिफर को मारने ही वाला होता है कि लूसिफर अपनी लाइफ उस डेविल कॉइन से ट्रेड कर लेता है और लूसिफर वहाँ बच जाता है। और लूसिफर क्लोई के पास वापस जाता है, तो उसे पता चलता है कि जब भी वो क्लोई के आसपास होता है तो वो मॉर्टल बन जाता है। अब इधर मेज लूसिफर से मिल जाती है, जो कि एमनाडिल की सारी इन्फॉर्मेशन लूसिफर को देगी। नेक्स्ट केस आता है एक सैटेनिक चर्च का। सैटेनिक चर्च वही होता है जहाँ डेविल की वर्शिप हो रही होती है। लूसिफर वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने जाता है और सबको गालियाँ देता है,
क्योंकि वो लोग बहाने ढूंढ रहे होते हैं केवल बुरे काम करने के लिए। बेसिकली लूसिफर बुरा नहीं है, वो बुरे लोगों को सिर्फ पनिश करता है। ऐसा आपको हर रिलीजन में मिल जाएंगे कि रिलीजन पे नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मारते हैं या तो फिर गांजा फूंकते हैं। डैन लूसिफर को केस से निकाल देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोगों को उकसा रहा है। इधर मेज ने एमिनाडेल का ट्रस्ट हासिल कर लिया होता है, लेकिन उसे ट्रू फीलिंग्स आ जाती हैं। वो एमिनाडेल पर अटैक नहीं कर पाती, जिस पर एमिनाडेल उसे पकड़ लेता है और वहां से चला जाता है। अब ये बंदा लूसिफर को यहां मिलता है। ये बंदा वही होता है जिसको लूसिफर ने अपना फेस दिखाया होता है। वो लूसिफर पर इल्जाम लगाता है सारी डेथ्स का, जिस पर लूसिफर गुस्सा हो जाता है, अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम ऑन कर देता है, जिसको तोड़ मरोड़ के हमारी मीडिया दिखाती है, जो कि मीडिया का ऑब्वियसली काम है। तभी मेलकम वहां आ जाता है। वो बाद में कन्फेस करता है कि वो लूसिफर को इम्प्रेस करने के लिए सारी हॉरर किलिंग कर रहा है। तब लूसिफर वही करता है जो हम सब देखना चाहते थे, वो उसे मारता है, लेकिन एमिनाडेल के सपोर्ट में आ जाता है। दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी मीज वहां आ जाती है और दोनों को गालियां देके वहां से चली जाती है। तभी वो क्लोई के साथ वहाँ ड्रिंक करता है, जो कि विस्की होती है। तभी क्लोई को वहाँ एक डेड बॉडी दिखती है, जो कि उसी बंदे की होती है। ये देखते ही क्लोई लूसिफर पर गन पॉइंट कर देती है। पुलिस वाले लूसिफर को शूट करने ही वाले होते हैं कि एमिनाडेल उसे अपनी पावर से बचा लेता है और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। तब वो दोनों डॉक्टर मार्टिन के ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर डैन भी होता है। वो दोनों वहाँ से मेलकम को ढूंढने निकलते हैं। इधर क्लोई और मिज उन दोनों को ढूंढने के लिए निकलती हैं। तभी एमिनाडेल को मेलकम मिल जाता है, लेकिन मेलकम उसी के ड्रैगर से उसको इंजर्ड कर देता है, लेकिन मेज उसकी जान बचा लेती है, क्योंकि मेज के पास लूसिफर के विंग का एक पीस होता है। और इधर डैन सरेंडर कर देता है, जिससे लूसिफर पर लगा सारा इल्जाम हट जाता है और पुलिस मेलकम के पीछे पड़ जाती है। फिर पुलिस वही चाल चलती है जो हर देश में चला जाता है, उसके बैंक और उसके सारी संपत्ति को जब्त कर लेती है। पर इधर ये चलाक होता है, ये साला टैक्सी को किडनैप कर लेता है। तभी लूसिफर वहाँ आ जाता है और तब मेलकम उसे शूट कर देता है। लूसिफर अपने फादर यानी गॉड से हेल्प मांगता है, वो हेल में होता है। तभी वहाँ से वो वापस आ जाता है, तो लूसिफर क्लोई की हेल्प से मेलकम को मार डालता है। जब लूसिफर हेल में था, उसने कुछ देखा था। वो एमिनाडेल को बताता है कि उनकी मदर हेल से एस्केप कर गई हैं, जो कि हम अब नेक्स्ट सीजन में देखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको लूसिफर सीजन 1 का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।